वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, दिस इज़ विश्वनाथ। इस नए वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे CSIRNET 2019 लाइफ साइंसेस दिसंबर के एग्ज़ाम के बारे में। इस वीडियो में मैं जो कुछ भी बोलने जा रहा हूँ, ये मेरा पर्सनल व्यू है। ये व्यू किसी भी स्टैटिस्टिकल या कोई भी एनालिसिस या किसी भी रिसर्च पे बेस्ड नहीं है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ये मेरा पर्सनल व्यू है। तो फिर इस वीडियो में हम बात करेंगे तीन चीज़ों के बारे में। एक तो मतलब जो कि CSIRNET 2019 दिसंबर अटेम्प्ट का लाइफ साइंसेस का जो एग्ज़ाम पैटर्न था उसके बारे में। दूसरी बात हम करने जा रहे हैं कि किस टाइप की ये एग्ज़ाम थी, वेदर इट वॉज ईजी, मीडियम और एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट या डिफ़िकल्ट। और थर्डली द वीडियो के एंड में हम बात करेंगे एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। क्या कट ऑफ हो सकती है CSIRNET 2019 दिसंबर अटेम्प्ट की लाइफ साइंस इस डिवीजन की। तो फिर सबसे पहले बात करते हैं एग्ज़ाम के मोड के बारे में, एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में। इस बार का जो अटेम्प्ट था ये कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम था। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता था कि कैसे एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करना है, पर फिर भी थोड़े जो स्टूडेंट्स थे ये इसके बारे में ज़्यादा जानते नहीं थे, इस कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम के बारे में ज़्यादा उन्हें पता नहीं था। तो मेरी राय ये है, मेरी राय NTA को ये है कि इन्होंने अवेयरनेस ज़्यादा करना चाहिए था कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम के बारे में। ज़्यादातर स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है कि एग्ज़ाम भाई ऑनलाइन कैसे दे, तो ये जो अवेयरनेस था ये कहीं मुझे कम लगा NTA के थ्रू। और एक दूसरी बात, मतलब जब भी वो किसी को अपडेट्स देते हैं तो ईमेल के थ्रू देते हैं, स्टूडेंट्स को जब भी वो अपडेट्स देते ईमेल के थ्रू देते। तो मेरा ये एक सजेशन है कि ईमेल्स के थ्रू वो जो भी अपडेट्स है वो तो दे ही, साथ ही साथ इट वुड बी बेटर अगर उन्होंने ये जो अपडेट्स है व्हाट्सएप के थ्रू भी भेजे, क्योंकि आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं वो व्हाट्सएप ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, सोशल मीडिया ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। तो अगर NTA हमें जो भी अपडेट्स देने हैं वो व्हाट्सएप के थ्रू भेजे तो वो ज़्यादा स्टूडेंट्स के पास पहुँचेगा, ज़्यादा स्टूडेंट्स इसके बारे में अवेयर हो जाएंगे और साथ ही साथ टाइम टू टाइम अपडेट्स उन तक पहुँचेंगे, ना कि जैसे होता है ईमेल के बारे ईमेल में कि ईमेल भैया हमें आ गया लेकिन हमें पता ही नहीं होता कि हमें ईमेल आया है, या कभी कभी जो ईमेल आता है हमें वो स्पैम हो जाता है तो हमें वो ईमेल मिलता ही नहीं है। तो व्हाट्सएप में अगर आप हमें अपडेट्स देंगे तो ये ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। दूसरी बात, मतलब जो मैंने फेस किया है, जो इशू मैंने फेस किया है एग्ज़ाम देते वक्त, वो है कि जब भी मैं किसी क्वेश्चन को देखता था तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे कि उसमें से थोड़ा ही पार्ट मुझे स्क्रीन में दिखता था, क्योंकि फुल स्क्रीन जो है वो यूटिलाइज नहीं होती थी जब भी हम एग्ज़ाम दे रहे होते हैं तब, बल्कि छोटा सा पार्ट जो होता है एग्जाम स्क्रीन का वो उसमें हमें वो क्वेश्चन विजुअलाइज होता है। असल में प्रॉब्लम तब आता है जब क्वेश्चन की लेंथ बड़ी हो, तब ऐसे होता है कि आधा क्वेश्चन स्क्रीन से बाहर जाता है और आधा क्वेश्चन जो या आंसर हो या ऑप्शंस हो वो हमें दिख जाता है। तो बहुत बार हमें ऐसे चाहिए पड़ता है कि क्वेश्चन एज वेल एज जो उसके ऑप्शंस है वो हमें साथ में दिखाई पड़े। जब हम ये ऐसे छोटी स्क्रीन यूज़ कर रहे होते तो फुल यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता है स्क्रीन का। तो मेरा सजेशन NTA को ये है कि फुल स्क्रीन मोड में भी ये एग्ज़ाम हम दे पाए, ऐसे कुछ अरेंजमेंट आप करें तो बहुत ही अच्छा होगा। तो ये दो चीज़ें मुझे बोलनी थी एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। अब हम जाते हैं एग्ज़ाम की ईज़ के बारे में, वेदर एग्ज़ाम ईजी थी, मॉडरेट थी, डिफ़िकल्ट थी। ये जो मेरा ओपिनियन है, मेरा पर्सनल टोटल पर्सनल ओपिनियन है, जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था। तो ये एग्ज़ाम मुझे काफ़ी हद तक इजी टू मॉडरेट इस लेवल में समझ में आ गई, या मुझे लगा कि ये ज़्यादातर इजी टू मॉडरेट इस लेवल में है। लेकिन अगर देखा जाए तो ये एग्ज़ाम है वो ज़्यादातर उन स्टूडेंट्स को ज़्यादा ईजियर जाएगी जो अभी अभी पास आउट हुए हैं या उन जिनका बेसिक बहुत स्ट्रॉन्ग है।
क्योंकि इस बार जो एग्ज़ाम दी आई थी, जो एग्ज़ाम हमें हमने आंसर की थी, वो ज़्यादातर बेसिक्स के ऊपर खड़ी थी। जिसका भी बेसिक्स बहुत ही तगड़ा है, उन्हें ये एग्ज़ाम बहुत ही इजी गई होगी। लेकिन इन जनरल पॉइंट ऑफ व्यू मुझे ये एग्ज़ाम इजी टू मॉडरेट इस लेवल में लगी। वैसे बहुत सारे क्वेश्चन थे जो डिफिकल्ट लेवल में भी थे, पर फिर भी इन जनरल मुझे ये इजी टू मॉडरेट एग्जाम लगी। अब तीसरी बात करते हैं, वो है कट ऑफ के बारे में। ये जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ये किसी भी एनालिसिस के ऊपर डिपेंड नहीं है, ये किसी भी रिसर्च या किसी भी स्टडी के ऊपर बेस्ड नहीं है। ये मेरा खुद का पर्सनल व्यू है कि इस बार की कट ऑफ क्या हो सकती है। तो कट ऑफ के बारे में बात करते हुए मुझे लगता है कि इस बार की जो नेट LS की जो कट ऑफ है वो अराउंड 100 मार्क्स के आसपास रहेगी, और जो JRF की कट ऑफ है वो अराउंड 120 के ऊपर हो सकती है, 120 to 125 इसके बीच में हो सकती है। हालांकि ये टोटली डिपेंड करता है कितने सारे लोगों ने इस एग्ज़ाम को अच्छे तरह से आंसर की है। फिर भी ये मेरा पर्सनल व्यू है कि JRF की कट ऑफ लगभग 120 के ऊपर रहेगी, ना कि उसके नीचे। बट स्टिल कांट से, जैसे मौसम बदलता है वैसे JRF की कट ऑफ भी बदलती रहती है। तो ये मेरे सम रिव्यूज थे CSIRnet 2019 दिसंबर लाइफ साइंसेस इस सेक्शन के बारे में। तो अगर हो सके तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है इस बार की CSIRnet की जो कट ऑफ है वो क्या हो सकती है। और साथ ही साथ मैंने जो सजेशंस दिए वो आपको क्या लगता है, ये सही है, या जो भी आपके सजेशंस हैं वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। और साथ ही साथ मैं NTO को भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी अच्छे सजेशंस हैं वो आप इम्प्लीमेंट ज़रूर करें। तो धन्यवाद मेरे वीडियो को देखने के लिए, थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद।